नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारी किचन में। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फ्रूट रायता, जो दही और फ्रूट्स को मिला के बनेगा। ये रायता आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन से भरपूर होगा, जो आपके हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, साथ में आपको ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी लगने वाला है। तो देरी किस बात की, इसको कैसे बनाना है, किन चीजों की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए चलते हैं फटाफट से किचन में, जान लेते हैं इसको बनाने का सही तरीका। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरी रेसिपी इतनी ही पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को करिएगा जमकर शेयर। तो बढ़ते हैं किचन की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो दही, उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से फैट लिया है, मतलब ग्राइंड कर लिया है। साथ में मैंने लिया है 1 सेब, नमक, अजवाइन, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 2 कटी हरी मिर्च, 1 खीरा और कुछ अनार के दाने। सबसे पहले हम अपनी सेब को अच्छे से छील लेंगे। उसके बाद कद्दूकस की सहायता से अपने खीरे को कद्दूकस करेंगे। ऐसे ही सारे सेब के टुकड़ों को भी कद्दूकस करेंगे। ये रायता आप अपने घर में छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रूट्स ऐड हैं। एक तरह से आप फ्रूट भी खा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट भी है और टेस्ट ही तो बहुत ज्यादा लगने ही वाला है। उसके बाद हम अपने दही के बाउल में सारी चीजें ऐड कर देंगे और ऊपर से कुछ अनार के दाने। उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च, ये सब ऑप्शनल है, नहीं चाहते तो इसमें से कोई चीजें हटा भी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अजवाइन को तवे पे थोड़ा सा भून लिया है, जिससे वो बहुत अच्छा फ्लेवर देगी और आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। उसके बाद मैं इसको गार्निश करूंगी अनार के दानों के साथ। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया, मिंट लीव्स वगैरह सब डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे उनका यूज नहीं किया है। और यहाँ पर हमारा टेस्टी सा फ्रूट रायता रेडी है ना? कितना बनाना आसान और इतना हेल्दी भी। तो खुद भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, अपने छोटे घर में जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको भी इंजॉय करवाइए। तो ऐसी हमेशा कुछ नया लाती रहूंगी, आपकी जीभ का और आपकी सेहत का ख्याल बनाए रखूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीज के साथ। बाय।